आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है। देखिए, कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना या वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना किसी को गिरफ्तार कर सकता है, वो ऐसा व्यक्ति जिसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, संज्ञेय अपराध, यानी कि इसके लिए पुलिस वाले को किसी वारंट की ज़रूरत नहीं है। संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब पुलिस को मतलब इस अपराध के लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ पहली सूचना के आधार पर आपको गिरफ्तार, अरेस्ट करके थाने ले जा सकता है। अब जिसके मतलब ऐसे समझिए कि अगर आपके विरुद्ध इस बारे में बहुत विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हुई है, मतलब सूचना मिल गई है और उस पर जो संदेह है वो उचित है, तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। या आप किसी का गृह भेदन का कोई उपकरण आपके पास है, मतलब आप चोरी करने के लिए कहीं जा रहे हैं और आपको वो पुलिस वाला गिरफ्तार कर सकता है। या फिर इस जो आईपीसी होता है, दंड प्रक्रिया सीआरपीसी, इसके अगेंस्ट इसके साथ और राज्य सरकार के आदेश के द्वारा कोई अपराधी उद्घोषित हो दिया है, मतलब अपराध को आपको राज्य सरकार ने अपराधी घोषित कर दिया है, तब आपको पुलिस वाला बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। या आपके कब्जे से कोई ऐसी चीज़ पाई गई है जो चुराई हुई संपत्ति है, यानी कि चोरी की हुई चीज़ है, और ऐसी चीज़ के बारे में अपराध करने के का उचित संदेह में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। कोई पुलिस अधिकारी अगर अपना काम कर रहा है और आप उसके उस समय बाधा पहुंचाते हैं उसका कर्तव्य करने से, और किसी को या फिर निकल भागने का प्रयत्न करते हैं, तो भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है बिना वारंट के। या फिर आप ऐसा करिए कि आपने जैसे कि आपके ऊपर धारा 356 की उपधारा 5 के अधीन बनाए हुए किसी नियम को आप भंग करते हैं, तो आपको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी पुलिस अधिकारी को लिखा हुआ, यानी कि लिखित में, या फिर मौखिक आदेश प्राप्त है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, तो भी आपको गिरफ्तार बिना वारंट के पुलिस वाला कर सकता है। मान लीजिए किसी खाने का जो SHO है, वो किसी ऐसे व्यक्ति को जो धारा 109 या धारा 110 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के प्रवर्गों में से एक या उसमें से अधिक का हो, मतलब जो ये धाराएं हैं उसके अगेंस्ट उसने अपराध किया हो या उस प्रकार का हो, तो उसे भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये कुछ जैसे अगर आपसे किसी पुलिस वाले ने आपके ऊपर पुलिस वाले को संदेह हुआ कि आप कोई हैं और आपसे पूछा उसने कि अपना नाम बताएं, आप उसे गलत सलत नाम बता रहे हैं, अपना निवास स्थान बताने से इनकार करता है, तो भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है जब तक आपका नाम और आपका निवास स्थान सुनिश्चित नहीं कर दिया जाता। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि अगर पुलिस वाला आपसे कोई बात पूछता है या आपने कोई कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध किया है, तो आपको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर आपका नाम पता पूछे तो आपको अपना नाम पता सही सही बताना चाहिए और गिरफ्तारी से बचना चाहिए। अगर आपके मन में कानून से संबंधित कोई प्रश्न है और उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और साथ ही मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।
चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।